मध्य प्रदेश में एक बार फिर लापरवाही के चलते एक मासूम खुले पड़े बोरवेल में गिर गया। मामला प्रदेश के बैतूल जिले के मांडवी से सामने आया है, जहां 8 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रशासन द्वारा मासूम को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चौराहा सागर मध्य प्रदेश। यह घटना बैतूल जिले के मांडवी में उस वक्त घटित हुई जब 8 साल का तन्मय अपनी बहन और मासूम बच्चों के साथ खेत पर खेल रहा था। खेलते खेलते वह पास में ही खुले पड़े बोरवेल में गिर गया। तन्मय के बोरवेल में गिरने की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, जहां प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि जिस बोरवेल में तन्मय गिरा है वह करीब 400 फीट गहरा है। वहीं तन्मय इस बोरवेल में 50 फीट की गहराई पर अटका हुआ है। शुरुआत में मासूम के हाथ में रस्सी फंसाकर उसे बाहर खींचकर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे कि वह 12 फीट ऊपर आ गया था। लेकिन इसी बीच एक बार फिर वह बोरवेल में अटक गया, जिसके बाद अब बोरवेल के पास ही करीब 50 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। बुधवार शाम तक गड्ढे को 43 फीट की गहराई तक खोद लिया गया है। खुदाई के दौरान पानी का रिसाव होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। 4 फीट गहराई होना और बाकी है, जिसके बाद गड्ढे में 7 फीट लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जिससे कि तन्मय को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। घटना स्थल पर बैतूल कलेक्टर और एसपी मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि लगभग जो तन्मय है वो 35 से 40 फुट के बीच में लॉज्ड है, फंसा हुआ है। पहले 20-25 मिनट जो था वो कुछ रिस्पॉन्स बच्चे से मिल रहा था, ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम बता रहे हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो अभी तो तन्मय की तरफ से रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं उससे बातचीत करने की और कोशिश कर रहे हैं कि उससे कोई रिस्पॉन्स मिले। दो किस्म से हमारा काम चल रहा है, दोनों साइड से हम लोगों ने डिगिंग शुरू कर दी है और लगभग 18 फुट के आसपास हमारी डिगिंग हो चुकी है। ये लगभग 35-40 फुट के आसपास डिगिंग होगी और उसके बाद रैंप बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग करके तन्मय को बाहर निकालने का बंदोबस्त करा। सर, शुरुआत में कोई कोशिश भी की गई थी उसे निकालने की? ये कोशिश करा गया था कि वर्टिकल लिफ्टिंग करें, बट वर्टिकल लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्टक है वो, और इस वजह से वर्टिकल लिफ्टिंग पॉसिबल हो नहीं पा रही है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रैंप बनाकर ही ड्रिलिंग के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल प्रदेश में एक बार फिर मासूम के इस तरह बोरवेल में गिर जाने से सनसनी जरूर फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।